बूंदाबांदे में हुई 8 माह पहले लूट के बाद घर पहुंचा गाड़ी का चालान, लूट का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। गाड़ी का चालान कटकर पहुंचा पीड़ित के घर। मूंदाबांदे योगी राज में मूंदाबांदे पुलिस के कारनामों की बल्ले बल्ले हो रही है। योगी सरकार भले ही भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात कर रही हो, लेकिन मूंदाबांदे पुलिस के काले कारनामे दिन प्रतिदिन उजागर होते जा रहे हैं और लूट जैसी वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक ऐसा ही मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मूंदाबांदे के गांव में 8 माह पहले अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गांव में हुई लूट से सनसनी फैल गई थी। मूंदाबांदे पुलिस लूट की घटना को छुपाती गई और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही। जब 8 माह बाद इस लूट की हकीकत का पता चला तो सच्चाई सामने निकल आई तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई और रोंडा झोंडा चौकी पुलिस के झूठ का पर्दाफाश हो गया। मूंदाबांदे पुलिस लूट हुई गाड़ी का पता नहीं लगा पाई और बदमाश गाड़ी चलाते रहे। बिलारी में गाड़ी का चालान होकर नसीम के घर पहुंच गया और गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। नसीम, क्या हुआ आपके साथ में? डकैती हुई। कब हुई थी? 16 अक्टूबर में। क्या क्या चोरी हुआ था? गाड़ी, मोबाइल, चीज़ें और सब चीज़ें चोरी हुई। आपने इसकी शिकायत किससे की? नहीं, चौकी में लीडर हुआ था। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा तुम्हारा काम हो जाएगा और ऐसा तुम मत बचियो, सब काम हो जाएगा तुम्हारा, आज तो कोई सुनवाई ना होगी हमारी बिल्कुल। अब क्या हुआ? तो फिर 15 दिन हो गए चलान कटा, वो घर आया मेरे चलान, दरोगा को बताया हमने, दरोगा ने मुझे बुलाया तो दरोगा ने बात कही नसीम ऐसे ऐसे बात है, चलान तेरा कट गया है और तेरी गाड़ी मिल जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे कहना है। या मैं नशे में गाड़ी छोड़ आया, नशे में मैंने एप्लीकेशन दी थी हूँ। नशे में गाड़ी कहाँ छोड़ी आए थे? बिलारी। कौन कह रहे थे इस बात को? दरोगा कह रहा है। ऐसे कहना है? हाँ। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारी काम हो जाए, हम गरीब आदमी हैं, हमारी चीज़ सब मिल जानी चाहिए, कोई सुनवाई ना हो बिल्कुल। लूट को क्या महीने हो गए? 8 महीने हो गए लूट को। कहाँ का मामला है? रोंडा का। कौन सी चौकी लगती है आपकी? रोंडा की। इंचार्ज साहब कौन है? इंचार्ज ये दरोगा।